रिसर्च मेथड्स एंड प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स जो प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम में इस्तेमाल हो सकता है। अब इसको लिस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये कह रहा है कि जितने भी रिसर्च के आयाम हैं, प्रोसेस रिसर्च प्रोसेस के आयाम हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सिलेक्शन हो या फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स हो, ये सब में मिक्सिंग की जा सकती है और यही बेसिक है प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम का। लिहाजा जितने भी मेथड है, जितने भी तरह के मेथड का इस्तेमाल पॉजिटिविस्ट पैराडाइम या इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम करता है, वो सारे मेथड इसमें आ सकते हैं। यद्यपि लिस्ट में हमने कुछ डाले हैं, फिर भी उसमें आप जो भी चाहें और डाल सकते हैं, लेकिन इसी बहाने कुछ मेथड की चर्चा हम लोग कर लें और ये चर्चा कर लें कि आया कौन कहाँ से है। तो आप लोग जानते हैं इथनोग्राफी, और ये तीनों इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा कि क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम में भी इथनोमेथोलॉजी की बात थी। इथनोग्राफी फेनोमेनोलॉजी, फिर आपका एक्शन रिसर्च, ये आपको क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम का भी पार्ट एक्शन रिसर्च, फिर चौथा। अब यहां से देखिए कि वो मेथड आ गया जिस पे हमको बहुत संशय होता है कि कैसे मिक्स करेंगे इसको, एक्सपेरिमेंटल। ऑब्वियस है कि इसके साथ वो भी आ जाएगा, ये तो कर ही सकते हैं एज ए एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि इसको मिक्स करना फिर भी आसान है एक्सपेरिमेंटल की तुलना में रैंडमनेस को, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल कहता है कि आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन उसी को कहेंगे प्योर डिजाइन जिसमें रैंडमनेस को आप सेक्रीफाइस नहीं किया है। और फिर कैसे एक्सपेरिमेंटल को मिक्स कर सकते हैं वैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हमने इस पे पढ़े हैं, बहुत सारा जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन फिर कन्विंस होना बड़ा कठिन है। सो कैजी एक्सपेरिमेंटल, ये दोनों आ गए आपके क्वांटिटेटिव पार्ट से। फिर या बिना स्पेलिंग हमने लिखा था तो कैजुअल लिख दिया था, कॉजल हमने बाद में कहा भी था आपने कि बहुत सारी गलती हो जाती है बोर्ड पर देखने पर लगता है, कॉजल कंपैरेटिव ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, केस स्टडी, ये सब तो आपका इंटरप्रेटिविस्ट वाला पार्ट आ रहा है। फिर नेचुरलिस्टिक, अब देखिए इसका इस्तेमाल वहां भी था क्रिटिकल रिसर्च में, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी मेथोडोलॉजी, वो उसमें शायद इंक्वायरी था। देन नैरेटिव इंक्वायरी, ये अभी हमने इसके डिलीवरेशन में पढ़ा भी था कि नैरेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरह के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं नैरेटिव इंक्वायरी। तो इशारा आपको एक तरह से समझिए कि जेनरिक रिसर्च, जेनरिक क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ भी कर रहा है। फिर ये तो बहुत जगह छूट गया है लेकिन इसमें हमने डाल दिया हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल, ये तो सब में है अदर देन दी सॉरी हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल। वैसे भी हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल के बारे में तो लोग कहता है कि दोनों सेम ही है, फिलोसफिकल रिसर्च का ही पार्ट हो जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल हालांकि इस पे काम ज़्यादा हुआ है इसलिए अलग हो गया, तो माना जाता है, बहुत लोगों का मानना है कि फिलोसफिकल रिसर्च का पार्ट ही हिस्टोरिकल रिसर्च है। ये कुछ लिस्ट है बट इट इज़ नॉट कंक्लूसिव, क्योंकि बहुत सारे मेथड डाल सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ डालने की बात है ये सब थोड़ा कन्विंसिंग बनाना पड़ेगा इसको।
यद्यपि इसको कन्विंसिंग बनाने के लिए ही एक पार्ट इसमें ऐड है, वो कलेक्ट किया हुआ है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो कंसेप्ट है उसमें ये बेसिक है कि नहीं, आपको रैंडमनेस को तो फॉलो करना ही है, तो रैंडमाइजेशन कैसे होगा, और रैंडमाइजेशन नहीं हुआ तो फिर कैसे दोनों को आप मानेंगे। एनीवे दीज आर दी डिस्कशन टू बी मेड। सो इन दिस वे वी हैव रिटन नॉट कंक्लूसिव बट सर्टेन मेथड्स दोज आर बीइंग यूज्ड बाय द रिसर्चर इन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम। थैंक यू फॉर दिस।